रहे थे। सुने वाला तेहन जो सारा तो रिकॉर्डिंग कर ले लिया। हर हर महादेव। हम लोग रेडी होके बाबा के दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं और ये हैं सारे लोग। सुमन बाबू दिनकर जी, एक चंदन जी हैं, एक गौरव जी हैं। सडनली प्लान है हमारा था मतलब बना और निकल गए बाबा के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। हर महादेव नहु वाला लिया उड़ा था कि फिर से बोलो। बोलिए बाबा भाई जय नाथ की जय। तो हम जयकारा लगाते हुए मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो सर हम ला ले ये भोला जी। हाँ जी पकड़ो सुमन जी पकड़ो ना टूटल है ना हो कितना पाए हो भाई। तो हम आ चुके हैं फाइनली प्रांगण में। लगे हुए हैं, हम आ चुके हैं लाइन में। यहाँ में भीड़ बहुत ही कम है क्योंकि हम सुबह 5 बजे दर्शन कर रहे हैं। एक अद्भुत ही अनुभव हो रहा है यहाँ आकर के। बाकी जल चढ़ाते हैं बाबा को। हर हर महादेव। चलो 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 ना सुमन जी। नहीं है बस बस
तो फाइनली हमारे बाबा के दर्शन हो गए हैं। बहुत बहुत आनंद माहौल था ये, और हम यही करते हैं, अगर दर्शन हो गए हैं प्राणियों का आनंद लेते हैं और चालू है। भोजन करेंगे सबको, नाम चलिए बाद में सब बाल बच्चा कल्याण ही बाबा हो गया हूँ क्या बताया शिवलिंग के फोटो करा, शिवलिंग के फोटो नहीं छह वीडियो चला दीजिए ना, अरे वीडियो मान चले मांगे फोटो मंगाई चले भाई मैया पार्वती पर सुरत रहे हर हर कहाँ छते सर चल बस भाग महाराज का
प्रसाद लेने के लिए दुकान में यहाँ से ले रहे हैं अपना प्रसाद। काफी अच्छा क्वालिटी है प्रसाद का, पूरा पेड़ा और पत्ती वगैरह। तो फाइनली हमारे बाबा के दर्शन हो गए, बहुत प्यारे दर्शन हुए, बहुत गजब दर्शन। और ये मेरा पहला बार है इस ज्योतिर्लिंग का बाबा के, क्योंकि पहले मैं आया वहाँ बहुत बच्चे में याद नहीं है ज़्यादा, तो एक अलग ही अनुभव रहा। बाकी बहुत अच्छा है, भीड़ भी नहीं है ज़्यादा और ऐसा है, आधे पौने घंटे लगे दर्शन करने में, तो हो गए दर्शन, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। हर हर महादेव, हर महादेव।